साथ में बलात्कार करा धोखे से, तीन चार बेटी के साथ न्याय करने के लिए गिड़गिड़ाई माँ। बच्ची के साथ में धोखा हुआ है, मेरी बच्ची को धोखे से बुलाया गया, पता नहीं क्या करे क्या नहीं करे। उस बंदे को जान के बदले मेरे को जान चाहिए। उस बलात्कार होया नहीं, मेरी बच्ची एक जना के तो बस में नहीं आने वाली, वो झापड़ झुपड़ कोई किसी का खाने नहीं वाली थी। मेरी बच्ची के साथ में बलात्कार करा धोखे से, तीन चार बार। अजमेर के ट्रांबे क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां घटना की शिकार हुई लड़की को एक होटल के कमरे में बंद कर मारपीट की गई, फिर उसे गंभीर घायल अवस्था में जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार अजमेर के त्रिलोक नगर ट्रांबे स्टेशन की रहने वाली युवती को 27 नवंबर की रात्रि युवक श्यामलाल ने फोन कर बुलाया था, जिसके बाद वह युवती को होटल ठटेरा चौक में ले जाकर उसे कमरे में बंद कर उसके साथ मारपीट की। वहीं मारपीट के बाद जब युवती बेहोश हो गई तो उसे इलाज के लिए जेएलएन अस्पताल में भिजवा दिया गया, जहां इलाज के दौरान युवती की आज मौत हो गई। इसी को लेकर युवती के परिजनों और समाज के लोगों ने जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी पहुंचकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करी है। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक छवि शर्मा ने समाज को मामले पर शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मामला मेरी बच्ची के साथ में धोखा हुआ है, मेरी बच्ची को धोखे से बुलाया गया, पता नहीं क्या करे क्या नहीं करे। उस बंदे को जान के बदले मेरे को जान चाहिए। उसके उसी मोहल्ले, हमारे मोहल्ले के अंदर दो मकान है, दोनों मकानों में ताला लगना चाहिए, उसका पूरा सामान बाहर फेंकना चाहिए, उसके पूरा खानदान बाहर रहना चाहिए। हम उसका परिवार वालों को एक मुंह नहीं देखना चाहते हैं। घटना कर्मचारी की पता नहीं, मेरी बच्ची को धोखा से बुलाया गया था, पता नहीं फोन पता नहीं किसका आया था किसका नहीं आया था, वो मुझे मालूम नहीं है। आपको मालूम पड़ा, मेरे को तो ऐसा मालूम पड़ा था आपकी बच्ची का थोड़ी सी आँख पर लगी है। आप आकर आपकी बच्ची बोल रहे मेरी मम्मी को बुला दो, और मेरी मम्मी को बुला दो, मैं मेरी मम्मी के साथ चली जाऊँगी। तो मैं घर वालों को कोई किसी को मैंने खबर नहीं करी, मेरी थोड़ी सी मेरी बच्ची को लगी होगी तो मैं ही जाकर ले आऊँगी मेरी बच्ची को। तो मैं तो आई तो कुछ नहीं, मेरी छोटी बच्ची को और साथ में लाई थी मैंने, उसी पर वो जो बंदा मेरे पास में फ़ोन करा ना उसी के मैं वापस में छोड़ दी। वो मेरे को बोले आपकी बच्ची वहाँ बैठी है, आप जाकर उसको टेम्पू में बैठी है, टेम्पू से मैं आपकी बच्ची को लेकर और घर लाओ। मैं वापस देखी तो मैं ना तो मेरी छोटी वाली लड़की को घर भेज दिया था, और मेरा और मेरे को कोई वहाँ जाकर मैं देखी तो मेरे को वापस वे बंदे मिले नहीं था। और आगे आकर देखी तो उसकी मैं मेरी बेटी की शक्ल नहीं पहचान पाई, और मेरी बेटी अकेली थी, एक लेडीज़ थी वहाँ, भाई जी काम करे वो पूरा ट्रीटमेंट करा रही थी। उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, मेरे को कोई नहीं मिला। वो मैं हैं कुछ ने नहीं देखा, टेम्पू स्टैंड से कौन लेकर आया था कौन नहीं लेकर आया था। जो एक लेडीज़ और दो बंदे लाए थे वो पहले लाया था, उसको मेरी बच्ची को जो गाड़ी में लेकर पट्टी वगैरह करवा रहा था ना, वे लोग बोले थे उसके साथ में बलात्कार होया नहीं, मेरी बच्ची एक जना को तो बस में नहीं आने वाली, वो झापड़ झुपड़ कोई किसी का खाने नहीं वाली थी। मेरी बच्ची के साथ में बलात्कार करे धोखे से, तीन चार तो वो तो मोहल्ले, हम तो मोहल्ले में रहते थे, पता नहीं मेरी बच्ची को कैसे बुलाया, वो फोन कर कैसे नहीं बुलाया, मुझे क्या मालूम। हम तो दोनों मियाँ बीवी, मेरी दो दोराणी है, मेरा दो देवर, हम तो बेरोजगार इंसान है। हम तो सुबह निकल जाते हैं, सुबह 6 बजे निकलते हैं शाम का, बच्चों को छोड़कर शाम का 7 बजे तीनों लोग घुसते हैं। हमारे को क्या मालूम पीछे से क्या करा क्या नहीं करा। पुलिस तो कार्रवाई करिए कि भाई उसको सजा दिलाएंगे हम, इसका आगे मेरे को मालूम नहीं है। मुझे तो जान के बदले जान चाहिए, और उसका परिवार हमारे मोहल्ले में नहीं रहना चाहिए। उसका मकान भी कोई किसी को बेचना नहीं देने, ताड़ा लगा के जाओ मकान लावर्स की तरह पड़े रहना, कोई बंदा आके खड़ा नहीं रहना चाहिए। लड़की के साथ में मार पिटाई हुई है, धारेदार हथियार से उसको मारा है, और उसके शरीर पे कई चोटें आई है और कुछ चोटें ऐसी है, क्या कुछ चोटें ऐसी है जो बताने लायक नहीं है। ऐसी जगह भी चोट आई है, लड़की बहुत बलात्कार हुआ इस लड़की का, चाकू दिखा के उसको उठा के आए दिन ले जाता था, आए दिन ये शाम आया, शामू बोलते हैं इसको, बहुत केस है इसके ऊपर। इसको क्या है, क्या हमारे इसुरीगेट चौकी
और ये हमारे कलर टावर के कुछ लोग मिले हुए हैं। आज कम से कम 100 केस हो जाते हैं इसके ऊपर, परंतु क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं इसको, पकड़ के बैठा के और जो शिकायत करता है उसको भेज देते हैं और 2 घंटे बाद छोड़ देते हैं। तो ये क्या इस तरीके से इसको दादा बना दिया पुलिस ने, दादा बना दिया। लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई ये लड़की जब गायब थी हॉस्पिटल वहाँ से, घर से गायब थी लड़की, तो इसको कौन हॉस्पिटल में लाके भर्ती कराया या कहाँ से आई है लड़की? समांगना हमने स्टार्टिंग में, अभी यहाँ आए आप लेट आए थे, हम समांगने हमने मांग करी पुलिस वालों से, एक तो मेडिकल बोर्ड से होगा इसका, एक हम यहाँ से मिट्टी लेकर के दे दिया बोलने मैडम ने, और हम ये चाह रहे थे यहाँ से मिट्टी लेकर हम SP साहब के गेट पर ले जाकर रखेंगे और पूरा समाज वहाँ बैठेगा। एक तो जांच अधिकारी ऊंचे जांच अधिकारी लगाया जावे, कलेक्टर टावर थाने पर सिगरेट वाला से किसी से जांच नहीं कराया जावे, क्योंकि ये सब मिले हुए हैं कुछ लोग इसमें, तो इसलिए हम ये चाह रहे थे। लेकिन फिर ये मैडम आई, मैडम ने हमें विश्वास दिलाया कि आप मेरे पे विश्वास करो, कार्रवाई ईमानदारी से होगी और कोई पुलिस वाला नहीं मिलेगा, इसलिए हम इस आश्वासन मैडम के आश्वासन पे हम रुके, नहीं तो मिट्टी वहाँ लेके जाते गेट। ये शुक्रवार देर रात जो महिला हैं इनको भर्ती किया गया था JLN अस्पताल में, जहाँ पर जो जब आई थी तब भी सीरियस थी, अगले दिन इनकी सर्जरी की गई ब्रेन की और उसके बाद आज सुबह उनकी मृत्यु हो गई है। जी डिपेंड करता है, जो रिपोर्ट हमें प्राप्त होगी उसके अकॉर्डिंग, अगर 376 की है रिक्वायरमेंट तो वो ऐड की जाएगी, 302 जाहिर है होगी ऐड इसके अंदर अब, और बाकी जैसा भी परिजन रिपोर्ट देंगे और जो भी आशंकाएं जताएंगे उसके अकॉर्डिंग आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगा। जो थाना लगता है जहाँ से महिला को लाया गया वो अभी अनुसंधान का वैसे विषय है, लेकिन क्लॉक टावर है जहाँ तक हमें प्रतीत हो रहा है, क्योंकि महिला को जिस स्थिति में लाया गया था वो अनकॉन्शियस थी और जो लेके आए थे वो भी घटना से चले गए, JLN विक्टोरिया हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराकर चले गए थे। जो परिवार है उनको 376 की आशंका लग रही है, इनफैक्ट उनको 376D की आशंका लग रही है, तो इसके अंदर जो अनुसंधान अधिकारी हैं वो आगे अभी प्रोसेस चालू है और हम डिटेन कर रहे हैं जो ऐसे लोग हमें संदिग्ध लग रहे हैं। जो परिवार की मांगे हैं उनको पूरा अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके मांगने का हम। अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही होप बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटालिक रंगों में उपलब्ध, साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध, तो देर ना करें आज ही संपर्क करें बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा अजमेर, 9571204206। Just like their love makes festivities special, our love keeps your food fresher. Perfect! Easy Fresh technology, Malibu, that maintains optimum temperature and humidity to help food retain its moisture for longer freshness. Love food, love Libre.